नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं एशियन भारत और अब वक्त है एशियन रफ्तार का। धामनोद में अवैध खनन पर अधिकारी नहीं कर रहे कार्रवाई, सरकारी भूमि पर हो रहा अवैध खनन, विभाग को हो रही लाखों के राजस्व की हानि, कई शिकायतों के बाद भी खनिज विभाग की अनदेखी। आष्टा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने की कार्रवाई, डेयरी व किराना दुकानों से लिए सैंपल, डेयरी से जब्त किया घरेलू गैस सिलेंडर, अमानक जांच रिपोर्ट आने पर दर्ज होगा प्रकरण। छिंदवाड़ा में बिना हेलमेट सड़क पर नहीं चल पाएंगे वाहन चालक, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना हुआ अनिवार्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने की जिले वासियों से अपील। बालाघाट में आंगनबाड़ी में छाया जल संकट, पीएचई के अधिकारी कर रहे अनदेखी, कोसों दूर से लाना पड़ रहा पीने का पानी, जल जीवन मिशन से वंचित है कई ग्राम पंचायत। छिंदवाड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने लगाया परियोजना अधिकारी पर आरोप, परियोजना अधिकारी ने की कार्यकर्ता के साथ मारपीट, कार्यकर्ताओं ने अधिकारी पर लगाया अवैध वसूली का आरोप, तामिया क्षेत्र का है पूरा मामला। बालाघाट में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल, 22,000 शाखाओं का काम हुआ ठप, प्रमोशन और नियमितीकरण की मांग, बैंक बंद होने से परेशान हुए ग्राहक। खाजरोद में किसानों की फसल पर लगा दाग, कोहरे की मार से गेहूं का कलर प्रभावित, उपज भी कम और बाजार में दाम भी कम, व्यापारी बोले समर्थन मूल्य से अधिक खरीद रहे हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर बदला, दो दिन से बारिश और तेज हवा और बादल हो रहे, बदलाव से दिन रात के तापमान में आई गिरावट, पचमढ़ी में दिन का तापमान 23.2 डिग्री रहा। खरगोन में नगर पालिका ने बनाए ब्रांड एवेंजर, उद्योगपतियों कर्मचारियों को बनाया ब्रांड एवेंजर, नगर सफाई व्यवस्था की रखते हैं निगरानी, जन सहयोग के बिना स्वच्छता संभव नहीं। खरगोन में ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर उतरे, नेशनल रूरल बैंक के गठन की मांग, वित्त मंत्रालय सचिव के नाम सौंपा ज्ञापन, अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। जिले के 173 दुकानों को 64 समूह में रखा, 50 समूह की 139 दुकानों का नवीनीकरण हुआ, साल 1509 करोड़ का राजस्व निर्धारित किया, बचे हुए दुकानों पर ई टेंडर की कार्रवाई की जाएगी। बीना में आवारा मवेशियों से त्रस्त नगरवासी, सड़कों पर हो रही दुर्घटनाएं, नगरपालिका प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान, विधायक ने एक बार फिर उठाया मुद्दा। भोपाल में सीएम का ओएसडी बनकर ठगी की, दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, सरकारी कर्मचारियों को ठगते थे बदमाश, 6 कर्मचारियों से 20 लाख रुपए ठगे। खाचरोद में नवागत सीईओ ने ली जनपद की बैठक, सचिव और कर्मचारी रहे बैठक में उपस्थित, सभी को कार्य करने के दिए दिशा निर्देश, कहा महाकाल की नगरी में कार्य करने को रहे तत्पर। भोपाल में निगम हेल्पलाइन पर 3 लाख शिकायतें दर्ज हो रही, शिकायतों को तुरंत निराकरण किया जा रहा, सिवरेज स्वच्छता बिल्डिंग परमिशन से जुड़ी शिकायतें ज्यादा। खरगापुर में सीएम राइज स्कूल में मनाया जन्म की, इंदौर में मदद के बहाने युवक का अपहरण किया, युवक की जमकर की पिटाई, फिरौती में मांगे 50,000, मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। नेपानगर में समीक्षा बैठक में नाराज हुए विधायक, निर्धारित प्रारूप में नहीं मिली जानकारी, कितने कार्य अधूरे इनकी जानकारी नहीं, अधिकारियों की लापरवाही आई सामने। इंदौर में द्वारकापुरी थाना पुलिस ने की कार्रवाई, युवक पर जानलेवा हमला करने वाले पकड़ाए, दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपी शुभम नेपाली की तलाश जारी। विजयपुर में रिश्वत लेने का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो की जांच के बाद होगी कार्रवाई। श्योपुर में किसान आंदोलन का दिखा असर, काली पट्टी बांधकर किसानों ने काला दिवस मनाया, किसानों ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। इंदौर में महापौर केसरी दंगल का होगा आयोजन, 8, 9 और 10 मार्च को भव्य आयोजन होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा दंगल का आयोजन, महिला व पुरुष के विभिन्न वर्ग के पहलवान होंगे शामिल। इंदौर में अवैध होर्डिंग और डिजिटल डिस्प्ले का मामला, मामले में इंदौर नगर निगम करेगा कार्रवाई, 39 बड़े प्रतिष्ठानों को नोटिस थमाए गए, पेनल्टी सहित 12 करोड़ से अधिक की वसूली की जाएगी। टीकमगढ़ में शिवधाम कुंडेश्वर मंदिर ट्रस्ट में विवाद, पूर्व अध्यक्ष पर लगे कई आरोप, पूर्व अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर रखी अपनी बात, चुनाव की घोषणा के बाद शुरू हुई उठापटक। गड़ाकोटा में संत श्री शिरोमणि गाड़गे महाराज की जयंती मनाई गई, नगर में धूमधाम से निकाली गई शोभा यात्रा। नीमच में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जन आभार यात्रा, मुख्यमंत्री ने नीमच को 252 करोड़ की दी सौगात, 20 विकास कार्यों का किया लोकार्पण व भूमि पूजन, चंबल परियोजना नीमच को बनाएगी पंजाब हरियाणा के समतुल्य। विजयपुर में चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, विजयपुर बस स्टैंड की है घटना, कपड़ा व्यापारी की दुकान, वंश दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। महेश्वर में पवित्र नदी महोत्सव की शुरुआत हुई, संतूर के तार झनकृत हुए, कथक की भी प्रस्तुति, विदेशों से भी शामिल हुए विशिष्ट मेहमान, शास्त्रीय संगीत के प्रदर्शन पर आधारित आयोजन। मंदसौर में अंतर विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता हुई, महितपुर की टीम ने फाइनल मैच जीता, अतिथियों ने विजेता टीम को किया पुरस्कृत, कहा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की
मंदसौर में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट के नवीन भवन का शुभारंभ। लंबे समय से हो रही थी मांग, कोर्ट में बच्चों से संबंधित होगी सुनवाई, अभिभाषक गणों की मौजूदगी रही। देवास में बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू, सभी विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं में बार कोड लगे, मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों की नहीं चलेगी मनमर्जी। दमोह में जंगली जानवर कर रहे फसलों को नष्ट, झुंड बनाकर करते हैं खेतों में प्रवेश, नीलगाय और जंगली सुअरों का आतंक, किसान कर रहे अधिकारियों से शिकायत। दमोह में होर्डिंग्स मालिकों और नपा अमले के बीच विवाद, अवैध होर्डिंग्स हटाने के लिए पहुंचा था अमला, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शुरू की गई कार्रवाई, कारोबारियों ने नपा प्रशासन पर लगाया आरोप। चित्रकूट में मंदाकिनी में स्नान करने वालों की भीड़, माघ पूर्णिमा पर स्नान करने पहुंच रहे लोग, मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का लगा तांता, प्रशासन ने सुरक्षा के लिए किए। ग्वालियर में भी बैठक में शामिल होंगे अमित शाह, प्रशासन के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्थाओं में जुटे, क्लस्टर प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने ली बैठक, कहा लोकसभा की चारों सीटों को लेकर चर्चा। मजौली में आदिवासी के साथ वकील ने की धोखाधड़ी, बालिका की मौत पर मिली थी सहायता राशि 4 लाख रुपए, आदिवासी से हड़पे, एसपी को की गई मामले की शिकायत। विदिशा में जड़ी बूटी की दुकान पर छापा मारा, वन्य जीवों के संदिग्ध अवशेष बरामद किए गए, लंबे समय से मिल रही थी शिकायत, कार्रवाई में पुलिस की टीम भी मौजूद रही। गरियाबंद में राज्य में कुंभकल्प की शुरुआत, पैरी सोंढूर और महानदी का है संगम स्थल, हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, महाशिवरात्रि तक चलेगा मेला। गरियाबंद में अवैध मादक पदार्थ पकड़ाया, कार से बरामद किया 127 किलो गांजा। पुलिस स्टेशन का होगा कायाकल्प, 7 मंजिला भवन में होगी आधुनिक सुविधाएं, पहले चरण में 495 करोड़ रुपए होंगे खर्च, 26 को पीएम मोदी करेंगे वर्चुअली शिलान्यास। दमोह में थाना प्रभारी की विदाई समारोह बने चर्चा का विषय, कई थानों पर ग्रामीणों ने धूमधाम से की विदाई, घोड़ी पर घुमाया तो कहीं गाड़ियों का काफिला हुआ था शामिल, पुलिस ने ग्रामीणों के बीच बनाई अपनी। गढ़ाकोटा में अवैध शराब कारोबारियों पर नकेल, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 500 क्वार्टर देशी शराब जब्त, पुलिस कर रही आरोपियों से पूछताछ। रीवा में संभागीय कैंसर शिविर का आयोजन, हजारों संभावित मरीजों की जांच की, कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया, मरीजों के इलाज की व्यवस्था करेगी सरकार। फिलहाल एशियन रफ्तार में इतना ही, आप देखते रहिए एशियन भारत।